Hello guys, how are you? My name is IAmFawad. First of all, I'd like to thank you guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. Wow, Neha Dhupia ki episode 4-5 dinon se chal rahi hai. Bahut zyada trolling ho rahi hai, hai na? Aap logon ko maloom hai. Itni zyada trolling recent time mein mera nahi khayal hai kisi bhi celebrity. Log to usko celebrity hi nahi mante ab. Gaali kuluch bahut ho gayi hai, family tak baatein chali gayi hain, personal life ko khada gaya hai. Jo bhi Neha Dhupia ne kiya Rowdy Revolution ke episode mein wo condemnable tha. और जिस तरीके का एटीट्यूड उसने अपनाया, साथ में निकल जो जज था और प्रिंस, उनके ऊपर भी ठीक ठाक ट्रोलिंग हुई है, उंगलियां उठाई गई हैं. बहुत से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलते थे, उनको तो लाखों की तादाद में बल्कि मिलियंस की तादाद में व्यूज़ मिले, सब्सक्राइबर्स मिले और वो तो बहुत खुश हैं. और किसी ने तो 5-5, 6-6 एपिसोड्स बना डाले सिर्फ एक ही टॉपिक पर. मैंने भी एक बनाया था, मुझे खबर मिली थी जब नया नया इवेंट हुआ था ये, उस वक्त मैं गुस्से में आया था. मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि जो भी किया गलत किया, उसके बाद मैं चुप बैठ गया क्योंकि जिसको देखो वीडियो बना के बैठा हुआ था और अपना अपना ओपिनियन दे रहा था कि नहीं ये स्क्रिप्टेड है, नहीं ये प्लान है और इसने जो किया ये किया फलाना दिमागा और उसकी फैमिली लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी, डिवोर्स, उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड, मतलब ये कि घुस गए थे उसकी फैमिली में, बच्ची तक को नहीं छोड़ा. रफ्तार भाई ने तो आके इंस्टाग्राम पर बोला भी, कहा कि भाई फैमिली को साइड पे रखो, उसको जितना बोलना है बोलो लेकिन फैमिली को साइड पे रखो, विच इज़ अ वैलिड पॉइंट. तो मैंने सिर्फ 2-3 मिनट का देखा हुआ वीडियो, मुझे नहीं पता था कि बात शुरू कैसे हुई और ख़त्म कैसे हुई, कि किसी ने काम डाउन करने की कोशिश की या बस सारे भड़काऊ जजेस ही थे. तो बिना कोई टाइम जाए कि आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन और देखते हैं इस क्लिप में आपको सारी स्टोरी समझने को मिलेगी कि नहीं. कम से कम मैं तो एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि असल में माजरा है क्या भाई, जिसके बाद सारा ये मामला शुरू हुआ. इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस. ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस. ऑफ कोर्स. या नोबडी गिव्स यू द राइट, नोबडी गिव्स यू द राइट टू स्लैप अ गर्ल. ओह, ही तो वाज द बैड मैन इन पुणे. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून मैम. तो करण को हम लोग अभी परसों जब हम लोग बाइक राइड के लिए गए थे तो निखिल, नेहा और मैं उस बाइक राइड पे गए थे रोड सेफ्टी के लिए. ही हैड ऑर्गेनाइज्ड ओके. अपने बारे में एक बारी रफ्तार और प्रिंस को एक बता दो, आप कौन हो, क्या करते हो? मेरा नाम करण कपूर है, बोर्न एंड रेज्ड इन द सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई. अभी पूना में 10 साल से हूँ. एंकरिंग करने का बहुत शौक है, स्टेज पर रहने का बहुत शौक है. जब हजारों की तादाद में लोग मुझे देखते हैं, मेरी आवाज सुनते हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरी आवाज को पहचानते हैं, मेरी शक्ल से ज्यादा, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है. तो आप इतने फेमस हैं, आपने बोला कि आप आपकी आवाज को जानते हैं. जी, तो इतना सब कुछ काम भी आपके पास, सब कुछ छोड़कर रोडीज रेवोल्यूशन में क्यों आना चाहते हो? सर मेरा एक छोटा सा मिशन है. वैसे सब बोलते हैं कि दुनिया बदलनी है, ये करना है, वो करना है, मुझे कुछ बदलना नहीं है, जो बदलना है मुझे. ये बहुत शाना है व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग, इसने हमारा पूरा स्टेज संभाल रखा है. जैकेट उतार दे, जैकेट उतार दे, लेट्स डू समथिंग फन. प्रिंस आना, प्रिंस वो दो डब्बे ले, उसके ऊपर रख दे, खड़े ना बीच में और हाथ आगे कर साइड में, साइड में. नो, इट्स कैक्टाई. अभी इसको रोडीज की फील देनी जरूरी है. दो ईंटें पकड़ा दे. अब बाकी बातें करते रहो. या बताओ आप क्यों आना चाहते हो? सर एक छोटा सा मिशन है. सब बोलते हैं कि यू नो रेप हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे, लड़कियों को बचाओ, लड़कियों को बचाओ. मैं बोलता हूँ लड़कियों को मत बचाओ, लड़कियों को एम्पावर कर दो. एम्पावर देम, स्ट्रेंथन देम, गिव देम दैट काइंड ऑफ एबिलिटी दैट दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट और उनको किसी और चीज सहारे की जरूरत ना पड़े. कॉल्ड अस द
नीचे गया तो कैक्टस पे अरे तेरी हीरोइक मोमेंट कौन सी है लाइफ की? हीरोइक मोमेंट सर बहुत सारी रही है, बहुत सारी हीरोइक मोमेंट्स। I've never heard anybody say that. नहीं नहीं पकड़ यार, ये टास्क चल रहा तेरा। हीरोइक मोमेंट ये था सर, एक अंडरडॉग था, पढ़ाई कभी करता नहीं था, कॉलेज में गया था, कॉलेज में जब गया सॉरी भाई ये थोड़ी अगली बात करते हैं उसके अगले टास्क के साथ। हाँ प्लीज वो नहीं कर पा रहा। Here we go. इसको ना ऐसे पकड़ रखिए, यहाँ शुरू होता है, यहाँ पे फेस के नीचे, और ये नीचे नहीं आना चाहिए सीधा। सवाल ये, have you ever hit anyone of the opposite gender? Yeah. If yes, elaborate. बताइए क्या बोला? सर जब कॉलेज में था, I really liked a female. मुझे चाहिए। What an idiot woman she is. वो बंदा बात कर रहा है, ठीक है? उसने बोला कि हाँ मैंने स्लैप किया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसको चीट कर रही थी 5 और लड़कों के साथ। एंड नेहा धूपिया क्या बोलती है? इट्स हर चॉइस। वाह, इट्स हर चॉइस। अगर यही काम ये खुद कर रहा होता तो क्या ये उसकी अपनी चॉइस नहीं होती? तो भाई यहाँ पे हिपोक्रेसी आ जाती है, ठीक है? और स्लैप मारा, उसने बोला कि 2 दिन के बाद मैंने उसको सॉरी किया, लेकिन वो बात ओवरलुक कर दी और फिर उसके बाद उसके दिमाग पे उसके मुंह में अपनी बातें डालना शुरू कर दी ताकि ये एपिसोड और जो है ना मसालेदार हो जाए और दुनिया बात करे। ये जो राउडी रेवोल्यूशन है ना, 16-17 साल हो गए मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम को चलते हुए। शुरू में सुना है, मैंने आज तक एक भी एपिसोड इसकी नहीं देखी है। जितना ही मैंने न्यूज़पेपर्स में, ब्लॉग्स में, वीडियोज़ में देखा है कि शुरू में बहुत कामयाब था, लेकिन 7-8 सालों से तो कोई देखता भी नहीं, कोई पहचानता भी नहीं है अब राउडी में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कोई कौन कंटेस्टेंट है। मगर इस एपिसोड के बाद डेफिनेटली इनको TRP तो मिलेगी। और बहुत से लोग बोल रहे हैं स्क्रिप्टेड है, बहुत से लोग बोल रहे हैं प्लान्ड है। हाँ, प्लान्ड तो एवरी एपिसोड ही होती है, और TRP का गेम है, व्यूज़ का गेम है, सिंपल सी बात है। कौन नहीं चाहता? हम नहीं चाहते हमारे वीडियोज़ लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में देखे जाए, TRP बढ़े। तो चैनल्स का भी यही है, वो कंटेंट ढूंढते हैं। जब ये कंटेस्टेंट आया, उसने बोला कि भाई इसकी बात में कुछ दम है और बाकी मसाला फेंकना हमारा काम है। तो ये प्लान था, स्क्रिप्टेड नहीं है कम्प्लीटली, क्योंकि भाई ये लोग पुराने खेपिए हैं, आप यूँ बोल सकते हो कि पुराने चावल जिसको बोलते हैं, इनको पता है कहाँ से क्या कंटेंट निकालना है, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल रहे हैं अपनी लाइफ में। प्रिंस भी, निकल, हु द फक ही इज एनीवे, जिस तरह खड़ा होकर आ गया उसके, मार मार, शो योर कंपल्सिव व्हाटएवर जो भी है, मैं होता ना मैं खींच के इसके मुंह पे मारता तब उसको अकल आती, नेशनल टेलीविजन पे जज को थप्पड़ पड़ता तो मज़ा आ जाता। आप किस तरह प्रोवोक कर सकते हो एक कंटेस्टेंट को इस तरह, सिर्फ अपनी TRP के लिए? तो ईगो तो तुम लोगों की भी हर्ट हो गई है। ईगो की बात हो रही थी ना कि तेरी ईगो छोटी हो गई, इतनी सी ईगो है भाई। उसने उस वक्त वही देखा, कॉलेज में तो बंदा वैसे ही गर्म जोश होता है, और आपकी गर्लफ्रेंड अगर किसी के साथ घूम रही हो तो बंदे को तो वैसे ही फिरकी घूम जाती है। सच्चा बंदा, उसने बता दिया कि ये मैंने बात की है, लेकिन उसकी बात को किस तरह घुमाया फिराया गया और ये 20 मिनट का एपिसोड बना जो भी है। वाव, सही ट्रोलिंग हुई थी, स्पेशली नेहा के ऊपर, जिस तरह की ये वुमन है। क्योंकि एक और पॉइंट उठाना चाह रही थी कि तूने अपने बाप को भी मारा, लेकिन अच्छा हुआ उसकी बात सुन ली यार। बोला मारा नहीं, पुश किया, क्योंकि वो मेरी माँ को मारना लग गया था मेरा बाप, और बाद में सॉरी भी किया, तो ही पेड द प्राइस। लेकिन हमारे रफ्तार भाई सिर्फ पेपर खोल रहे हैं, एंड में 5 मिनट में उन्होंने लेक्चर दिया कि भाई नहीं जम रहा, आई होप यू हैव चेंज्ड और पीपल डू चेंज। सही बात की है कि बंदा गलतियां करता है, रिग्रेट करता है, चेंज होता है, तो हो सकता है ये भी चेंज हो गया हो। लेकिन वो प्रिंस क्या कर रहा है? वो खाम को उसने 2 या 3 राउडी के जो प्रोग्राम है या बिग बॉस वगैरह जीत लिए, मगर उसके अंदर खुद का क्या टैलेंट है या निखिल का अपना क्या टैलेंट है? आई डोंट अंडरस्टैंड। चलो रफ्तार भाई तो हमारे मेन स्ट्रीम रैपर हैं,
young generation mein bahut maqbool hai. He is one of the best rapper. I like him as well. Lekin Neha Dhupia ki to market waisi down hai is tarah ke ocche hathkande karne ke baad to waqai sahi trolling hui hai. Lekin jo marne wali baat thi wo galat thi, chahe aap gusse mein karo ya aapka compulsive decision tha ki bhai karna hai. Nahi, yahan par thande dimag se sochna chahiye tha ki physical abuse aap kisi ko nahi kar sakte, wo completely wrong hai. Usko aap second nahi kar sakte, na support kar sakte, na main karta hu bilkul bhi. Wo usne kiya wo galat, lekin in logon ne jo uske sath kiya wo double triple matlab 10 guna zyada galat kiya. Acha, hypocrite ki baat ho rahi hai, fake feminist ki baat ho rahi hai. Fake feminism to sabko samajh mein aa gaya isne kya kiya aur kis tarah ki ye hai mentality bhi aap dekh lo. Lekin jo hypocrisy hai na, hum sab ki bhi hai. Hypocrisy iski aap is tarah se dekho ki jis tarike se isne react kiya, humne bhi usi tarah se react kiya. Jitne bhi influencers hain, hundreds ki tadad mein videos bane, sabne millions ke zyada views kamaye aur sabne bola ki bhai yahi mauka hai views kamane ka. Maine nahi kamaye, main chahta to 5-10 episodes bana sakta tha is pe, koi masla nahi tha choti choti baatein leke, magar nahi, bilkul nahi. To hypocrisy sab mein hai, to usko hypocrite kehna apne aap se hi jhoot bolne ke mutabik hai. Ha, fake feminism ki jo baat hui thi wo to saaf zahir hai. To overall ye jo episode hua hai intihai galat tha aur sharmindagi hai, main to ye bolta hu. Aur jis tarah ki ye celebrities hain aur young generation ko ek सबक सिखाने के बजाय या उनको अच्छा लेसन देने के बजाय उनको इस तरह के लेसन्स दे रहे हैं कि तूने अगर अपने बाप से क्या कहते हैं माफ़ी मांगी तो लड़की से भी माफ़ी मांग. हालांकि दोनों इंसिडेंट डिफरेंट हैं और बाप में और गर्लफ्रेंड में बहुत फ़र्क होता है, ये समझने की भी बहुत ज़रूरत है. एनीवेज, जो भी ट्रोलिंग हुई मैं ये समझता हूँ सही हुई है, सिवाय उसकी फैमिली के. जो छोटी बच्ची है उसके ऊपर ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए थी, या तो फैमिली मैटर्स को लेकर ट्रोलिंग की गई वो भी बहुत ज़्यादा गलत था. लेकिन आप जब पब्लिक पर्सनालिटी हो जाते हो तो आपकी लाइफ प्राइवेट लाइफ नहीं रहती, आपकी लाइफ पब्लिक लाइफ हो जाती है. तो फिर यहाँ पर तो गिद्ध हैं बैठे हुए नोचने के लिए बोटियाँ भाई. तो अब इस लाइन में आए हो तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा. दैट्स इट गाइस, अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड फैमिली साथ, और बहुत ख्याल रखिएगा. स्टे सेफ, खुश रहें. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय.